सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने टू पोर्ट नेटवर्क से एक नए टॉपिक को लिया है जो कि है पैरेलल कनेक्शन इन टू पोर्ट नेटवर्क। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन पे टू पोर्ट नेटवर्क में वाई पैरामीटर के लिए इस कनेक्शन को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क ए और टू पोर्ट नेटवर्क बी एक दूसरे के साथ पैरेलल पे कनेक्ट हैं और टू पोर्ट नेटवर्क ए के लिए इनपुट वोल्टेज का वैल्यू है V1A और करंट का वैल्यू है I1A और आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू है V2A और करंट का वैल्यू कितना है I2A। तो हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क ए के लिए स्टैंडर्ड वाई पैरामीटर के इक्वेशन को लिखेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क ए के लिए स्टैंडर्ड वाई पैरामीटर का इक्वेशन होगा I1A इज इक्वल टू Y11A V1A प्लस Y12A V2A और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो किस प्रकार से होगा I2A इज इक्वल टू Y21A V1A और Y22A V2A। अब हम लोग दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क B में देखेंगे कि इनपुट करंट का वैल्यू कितना है I1B और वोल्टेज है V1B इनपुट टर्मिनल पे और आउटपुट टर्मिनल पे करंट I2B है और वोल्टेज V2B। तो टू पोर्ट नेटवर्क ए की तरह अब हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क बी के लिए स्टैंडर्ड वाई पैरामीटर के इक्वेशन को लिखेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क बी के लिए स्टैंडर्ड वाई पैरामीटर का इक्वेशन होगा I1B इज इक्वल टू Y11B V1B प्लस Y12B V2B और जो दूसरा इक्वेशन होगा I2B इज इक्वल टू Y21B V1B प्लस Y22B V2B। अब हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क ए और टू पोर्ट नेटवर्क बी के पैरेलल कनेक्शन पे रिलेशनशिप को समझेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन पे वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, एक समान होता है। तो हम लोग इस नेटवर्क पे देख पाएंगे कि जो V1 का वैल्यू है वो किसके इक्वल में होगा V1A और V1B के इक्वल में होगा और V2 वोल्टेज का वैल्यू कौन दो वोल्टेज के इक्वल में होगा V2A और V2B के इक्वल में होगा। और पैरेलल कनेक्शन पे करंट का वैल्यू क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं कि ये I1 करंट दो भागों में बंट रहा है, एक I1A और एक I1B। उसी प्रकार से जो ये I2 करंट है वो भी दो भागों में बंट रहा है, एक I2A और I2B। यहाँ पर हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क A और B के लिए करंट के लिए रिलेशनशिप लिखेंगे। I1 इज इक्वल टू I1A प्लस I1B और जो दूसरा रिलेशनशिप होगा I2 इज इक्वल टू I2A प्लस I2B। अब हम लोग इन चारों इक्वेशन को यूज़ करके इक्विवेलेंट पैरामीटर के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे।
अब हम लोगों को I1 कैलकुलेट करने के लिए I1 A के इक्वेशन को और I1 B के इक्वेशन को ऐड करना होगा, जिस पर हम लोग V1 A और V1 B के जगह क्या पुट करना होगा, V1 और V2 A और V2 B के जगह हम लोगों को क्या पुट करना होगा, V2। तो यहाँ पर से हम लोग I1 इज इक्वल टू लिख पाएंगे Y11 A प्लस Y11 B, और दोनों के साथ V1 A और V1 B है, तो उसके जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, V1, फिर प्लस Y12 A प्लस Y12 B, और इनके साथ V2 A है और V2 B, तो उनके जगह हम लोगों को क्या पुट करना है, V2। इसी प्रकार से हम लोग I2 के वैल्यू को किस प्रकार से लिख सकते हैं, I2 A और I2 B के वैल्यू को ऐड करके। तो I2 इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा Y21 A प्लस Y21 B, तो Y21 A प्लस Y21 B, और इस पर V1 A और V1 B के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, V1, और आगे हम लोगों को मिलेगा Y22 A प्लस Y22 B, और इनके साथ V2 A और V2 B है, तो उसके जगह हम लोगों को क्या रखना होगा, V2। अब हम लोग इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड Y पैरामीटर के इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो हम लोगों को इक्विवेलेंट Y पैरामीटर में Y11 का वैल्यू मिलेगा Y11 A प्लस Y11 B, और Y12 का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा Y12 A प्लस Y12 B। उसी प्रकार से Y21 का वैल्यू मिलेगा Y21 A प्लस Y21 B, और Y22 का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा Y22 A प्लस Y22 B। तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि जब कभी भी दो टू पोर्ट नेटवर्क आपस में पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो उनका इंडिविजुअल जो Y पैरामीटर के वैल्यू रहेंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। इक्विवेलेंट Y पैरामीटर कैलकुलेट होने के बाद हम लोग जो दूसरे पैरामीटर के साथ Y पैरामीटर के रिलेशनशिप को यूज़ करके और दूसरे पैरामीटर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।